सलमान खुर्शीद अपनी लिखी किताब को लेकर अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। अनिल विज ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में वही लिखा है जो कांग्रेस ने अभी तक पढ़ाया है। कांग्रेस ने धर्म में मजहब के नाम पर देश का बंटवारा कराया। वे 1984 में दंगे करवाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर बोलते हुए विज ने कहा कि केजरीवाल प्रदूषण का ठीकरा पराली पर फोड़ते हैं, जबकि बाकी बचे 90% प्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। अनिल विज ने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी में सलमान खुर्शीद एक बार फिर गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर है। अनिल विज ने कहा कि सलमान ने अपनी किताब में वही लिखा है जो कांग्रेस ने उन्हें अब तक पढ़ाया है। कांग्रेस ने देश का धर्म के आधार पर वे देश बंटवारा वे 1984 में सिखों का कत्लेआम करवाया। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेसी नेता सेक्युलरिज्म के कुर्ते डालकर लोगों को ज्ञान बांटते हैं और राजनीति करते हैं। वहीं डेंगू का प्रकोप हरियाणा में प्रचंड होता जा रहा है। इस पर बोलते हुए अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में डेंगू के खिलाफ लड़ाई के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा पंजाब को पराली जलाने के मामलों पर सख्ती बरतने के लिए बोला गया है, जिस पर अनिल विज ने कहा कि हम कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, उचित फैसले पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल को अपनी कमियों को दूसरे पर डालने की आदत है। दिल्ली के 90% प्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। डेंगू के लिए हमने सारा इंतजाम कर रखा है और मैंने सभी जिलों को अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था करने के भी आदेश जारी किए हैं और जो कि कर लिए गए हैं। दवाइयां सारी पर्याप्त हैं और मेरी सारी टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की जो भी इससे ग्रसित हो रहे हैं उनका उपचार करने में लगी हुई है। हम तो कर रहे हैं कार्रवाई और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश होगा उसको मानना सबका धर्म भी है कर्म भी है, उसको सारे मानेंगे। लावा भी लगे हुए केजरीवाल जी की तो अपनी कमियों को दूसरों की कमियों पर डालने की आदत है। अब जो दिल्ली का प्रदूषण है उसमें पराली का योगदान तो कोई 4% बताता है, कोई 10% बताता है। अगर 10% भी मान लो तो बाकी 90% के लिए तो केजरीवाल जी जिम्मेवार है ना। उस 90% को कम करने के लिए केजरीवाल जी ने क्या क्या कदम उठाए वो बताएं, अपने प्रदेश के लोगों को भी बताएं और आसपास के प्रदेश भी उनसे जानना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में वही लिखा है जो इतने सालों से कांग्रेस ने उनको पढ़ाया है, जो इनकी सोच रही है। कांग्रेस पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर इन्होंने देश का बंटवारा करवाया। धर्म के आधार पर इन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया। जब मौका आता है इनकी सांप्रदायिकता सामने आ जाती है और उसके बाद ये सेक्युलरिज्म के कुर्ते डालकर लोगों को ज्ञान बांटते हैं और राजनीति करते हैं। खबर नवा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुलगढ़ की रिपोर्ट।